Hey guys, welcome back to my channel. और काफी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और मैं फिलहाल हूँ श्रीनगर में। थोड़ी देर में निकलेंगे हम गुलमर्ग के लिए, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस अभी होटल रूम से बाहर आ गए हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मार्केट देखिए श्रीनगर का एकदम सूना सूना पड़ा हुआ है। 10 बजे के बाद सब मार्केट खुलेंगे और हम 8 बजे निकल पड़े हैं गुलमर्ग के लिए। ठिठुर रही है, इनको ठंड लग रही है। तो अभी हम फिलहाल टनमर्ग में हैं। टनमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए 50 रुपीज लग रहा है, सुमो जाएगी। ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरा हाथ सिकुड़ गया है। यहाँ से हम लोग सिम ले रहे हैं जियो का, वो भी 500 रुपए का, बहुत महंगा है। छोले भटूरे काफी टेस्टी है। हम पहुंचे हैं गुलमर्ग और गुलमर्ग का सीन कुछ ऐसा है, बर्फ 0% और मुझे नहीं लगता कि मैं बर्फ में जा पाऊंगा क्योंकि अभी नवंबर स्टार्टिंग है, तो बर्फ नहीं गिरी है। तो गाइस अभी हम लोग गुलमर्ग में हैं और हमने घोड़ा राइड बुक किया है, वो भी 2500 रुपये 2 पर्सन। हम गुलमर्ग में आ गए हैं गोंडोला राइड करने के लिए और हमारे सामने है गोंडोला राइड। ये दिख रही है रोप, यही हम लोगों को जाना है। की सवारी करके आए हैं, काफ़ी थक गए हैं घोड़े हम नहीं। ये है गोंडोला का ई ऑफिस जहाँ पर टिकट मिलता है। गाइस मैं तो टूट गया, यहाँ पे ठंडी नहीं है ना बर्फ है। बर्फ देखने आए थे, पहाड़ देख रहे हैं, देख लो गाइस। सांसें फूल रही है, बर्फ उतनी दूर है और ये थोड़ा थोड़ा नमक जैसा बर्फ। अभी हम वादियों में आ चुके हैं और हमारे पीछे बर्फ है, काफी फिसलन हो रही है। इधर से हम लोग गुलमर्ग के वादियों से निकल चुके हैं। ये मोहतरमा पता नहीं क्या खा रही है, इसमें पूरा गैस भर गया है। मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। का गोंडोला राइड रुक गया है, अब हमको डर लग रहा है ऐसा क्यों हुआ।
तो अब गुलमर्ग को बाय बाय कहने का समय आ गया है।